अग्रे तपस्या ली। यही पे राजा भक्त ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया, तब गंगा स्वर्ग लोक इस स्थान पे है, इसी के लिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा, गंगा उत्तरी तस्य नाम गंगोत्री। और पहले गौमुख इस स्थान पे था, आज यहाँ से कट के 20 किलोमीटर पीछे चला गया, इसलिए जो भी आते हैं अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करके यहाँ पे संपन्न किया जाता। तो नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत करता हूँ एक बार फिर से अपने YouTube चैनल में। तो कैसे हैं आप सब, आई होप आप सब बढ़िया होंगे। तो चलिए आज की वीडियो करते हैं स्टार्ट। तो आज हमारी यात्रा का छठवां दिन है और अभी हम जा रहे हैं गंगोत्री। जैसे कि आपने पिछले व्लॉग में देखा होगा, हम रुके थे भैरव घाटी में और मौसम काफ़ी ख़राब हो रहा है, तो थोड़ी जुकाम वगैरह भी लग गई है। जुकाम हुआ तो सर दर्द भी थोड़ा हो रहा है हल्का हल्का, देखते हुए चलते हैं। तो आप देख सकते हैं पहाड़ कितने सामने आ, इसलिए थोड़ा ठंडा हो गया। ये देखिए नज़ारे काफ़ी बढ़िया आ रहे हैं। अभी चलते हैं, यहाँ से लगभग 4 किलोमीटर रह रखा है गंगोत्री, आपको दिखाते हैं, मिलते हैं आपसे आगे। हम पहुंच चुके हैं गंगोत्री में और यहाँ पे काफी ज्यादा भीड़ हो रही है, आप देख सकते हैं। सुबह नहीं रात में बहुत सारी दुकानें मिल जाएगी आपको, ये देख सकते हैं साथ वगैरह सब यहाँ पे। ये व्हील चेयर है, अच्छा रेट है 250 रुपए है। हाँ, यात्री को ले जाने के लिए। यहाँ से कितने किलोमीटर होगा? यहाँ से होगा 500 मीटर होगा, ज्यादा नहीं। अच्छा ठीक है, बढ़िया है। 250 रुपए में आप यहाँ से जा सकते हैं। जैसे अंकल जी जा रहे हैं, अंकल जी कहाँ से हो? चेन्नई। अच्छा मजा आ रही है? मजा आ रहा? मजा हाँ बहुत बड़ा भैया, बहुत आई एम फीलिंग वेरी एक्साइटिंग एक्साइटिंग। जय गंगा मैया, जय गंगा मैया, जय गंगा मैया। तो चलिए चलते हैं, अभी देख सकते हैं। अच्छा अकेले आए हो? अकेले? नो विथ फैमिली। माय डॉटर, माय सन इन लॉ, माय ग्रैंड डॉटर। अच्छा कार से? चेन्नई चेन्नई। कार 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 से? कार से कार से। अच्छा अच्छा देख सकते हैं, इतने दूर दूर से श्रद्धालु लोग आ रहे हैं यहाँ पे और काफी अच्छा लग रहा है देख के। ये देखिए और पहाड़ आप देख सकते हैं काफी बढ़िया, यहाँ पे दुकानें वकानें मिल जाएगी आपको, प्रसाद वगैरह भी। प्रसाद है अंकल? प्रसाद कितने का है? 300 वाला चाहिए। कोई से भी मतलब छोटा वाला कितने का है? 20 रुपए का, 50 रुपए, 50 रुपए का ये। भागीरथ तपस्या ली, यही पे राजा भक्त ने 5500 वर्ष तक तपस्या किया, तब गंगा स्वर्ग लोक इस स्थान पे है, इसी के लिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा, गंगा उत्तरी तस्य नाम गंगोत्री। और पहले गौमुख इस स्थान पे था, आज यहाँ से कट के 20 किलोमीटर पीछे चला गया, इसलिए जो भी आते हैं अपने पितरों का तर्पण श्राद्ध आदि करके यहाँ पे संपन्न किया जाता है। ये पंडित जी से पूछते हैं, पंडित जी जो गंगा जी प्रकट हुई वो कहाँ पे हुई है? इस स्थान पे जहाँ पे राजा भक्त ने तपस्या किया, जब स्वर्ग सतयुग में जब राजा सगर के 60,000 पुत्र जब भस्म हो गए थे, उनके उद्धार के लिए गंगा तप करने से, तो उनमें से एक भगीरथ राजा हुए जो सातवीं पीढ़ी में है, उन्होंने यहाँ पे तपस्या करके फल खाले पत्तों का के सेवन करके जल को पीते ही उन्होंने 5500 वर्ष की तपस्या की, तब गंगा स्वर्ग लोक इस स्थान पे आई, इसीलिए इसका नाम गंगोत्री पड़ा है। ये जो जगह है भागीरथ तपस्थली, ये जो भगीरथ शिला है, ये पूरे 5 मंदिर इसके ऊपर है, इसीलिए गंगोत्री में आके पितरों का स्मरण जरूर करना है। जो यात्री आता है गंगा में तिलांजलि जरूर देना चाहिए, क्योंकि अपने पूर्वजों के उद्धार के लिए राजा भक्त ने तपस्या किया, तब गंगा इस लोक में आए और आज विश्व के कल्याण के लिए गंगा सबका मनोरथ पूर्ण करती है, उनके सब पितरों को जहाँ भी जाके गंगा में जिसका अस्थि पड़ जाए तो गंगा उनको मोक्ष प्राप्त, जो अधिगति को मृत्यु को प्राप्त जो लोग रहते हैं उनको प्राप्ति हो जाती है। जय गंगा मैया। चार घंटे जान में खड़े रहो। क्या कितने पैसे लगे? 300 रुपए बता रहे थे। 300 रुपए मेन गेट पे जाओ, मेन गेट 300 रुपए, 300 500 1100 जैसे 1100 में 6 आदमी, 1100 में 6 आदमी चले जाओ। अम्मा को लेकर 1 घंटा यहाँ पे लगे, मेन गेट पे जाओ, मेन गेट मिल जाएगा। भगदड़ करते हो, अगर जाम में फंस जाओगे तो 4 घंटे वहाँ खड़े रहोगे, 2 घंटे में आराम से करो दर्शन। खाने के लिए
ये गंगा मैया की जय, बाबा भैरवनाथ की जय। ये गंगा जी की द्वारपाल हैं आनंद भैरव जी, शिव जी की अवतार रुद्रावतार। तुम बिन शिव की पूजा सफल नहीं होए, चतुर्वर्ती का दीपक दर्शन दुख होए। जब तक भैरव जी के दर्शन नहीं हुए तब तक यात्रा अधूरी मानी जाती है, क्योंकि भैरव जी के दर्शन बिना यात्रा अधूरी मानी जाती है। आपने सुना बटुक भैरव, आपने सुना काल भैरव, ये आनंद भैरव जी हैं, शिव जी के अवतार रुद्रावतार। बोले बाबा भैरवनाथ की जय। जैसे बोलते हैं कि गंगोत्री के बाद यहाँ पे दर्शन करने आना पड़ता है, तो सही बात है। हाँ, ये तो जरूरी है, कहीं भी जाओ आप, माता रक्षा पाठ के दर्शन करना जरूरी होता है। जब गंगोत्री का पाठ खुलते हैं तो जो डोली होती है यहाँ पे रुकती है एक दिन, तो यहाँ पे एक दिन का शयन होता है और उसी दिन यहाँ पे कपाट खुलते हैं बस, और दीपावली के दिन दूसरे दिन कपाट बंद हो जाते हैं। हाँ जी, माता के दर्शन करके फिर कपाट बंद हो जाते हैं। ये हमारे साथ पंडित जी, क्या नाम है? मेरा नाम अंकित सेमाल है। तो यहाँ पे क्या क्या चढ़ता है भैरवनाथ जी पे? यहाँ पर भैरव बाबा को तेल चढ़ता है, श्रीफल चढ़ता है और फूल प्रसाद चढ़ता है, और गंगोत्री के बाद यहाँ पे आना पड़ता है दर्शन करने। भैरव बाबा माँ गंगा के रक्षक हैं, मार के रक्षक हैं, उनके दूत हैं, देवदूत हैं, तो कोई भी यात्रा तभी संपन्न मानी जाएगी अगर यात्रा के पश्चात वो भैरव बाबा के दर्शन करेंगे। जैसे कि वैष्णो माता में सभी ने देखा होगा, वैष्णो माता के पश्चात ऊपर भैरव जी के भी दर्शन करने होते हैं, ठीक इसी तरह माँ गंगोत्री के दर्शन के बाद आनंद भैरव के दर्शन करने भी अनिवार्य होते हैं। यहाँ का काल भैरव और इनमें आनंद भैरव क्या अंतर है? भैरव हैं, काल भैरव हैं, बटुक भैरव हैं, आनंद भैरव हैं, काल भैरव हैं माँ दुर्गा के, माँ काली के, बिल्कुल हैं, और आनंद भैरव माँ गंगा के हैं, और बटुक भैरव हैं नौ जो कंजी आप नवरात्र में माता के नौ जो स्वरूप होते हैं उनके साथ होते हैं। अलग अलग स्वरूप है, मुख्य रूप से वो एक ही है, बस रूप अलग अलग है। कोई काली माता के सेवक हैं, कोई गंगा माँ के सेवक हैं, कोई दुर्गा माँ के सेवक हैं, इस तरह से। कोई क्रोधित होता है तो ये क्रोध वाले हैं कि कैसे? ये तो आनंद भैरव है, क्रोधित वाले नहीं, वो काल भैरव है। काल भैरव, ठीक है। पंडित जी धन्यवाद आपको बताने के लिए। ठीक है, तो दोस्तों अभी हम आ गए हैं गंगोत्री धाम के दर्शन करके, और अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी के लिए। आज हमारा स्टे होगा उत्तरकाशी में, और मौसम आप देख सकते हैं पूरा बारिश वाला मौसम हो गया है। तो देखते हैं अगर ऐसे ही मौसम रहा, बारिश हो गई, तो आज हमें स्टे इधर ही करना होगा। हम आ गए हैं गंगोत्री से, और अभी हम जा रहे हैं उत्तरकाशी के लिए, और अभी हम लोग यहाँ पे चाय पीने के लिए पीछे, और वहाँ पे काफ़ी खतरनाक हो गया है, अभी बारिश हुई थी यहाँ पे, तो चलते हैं अभी आपको मौसम दिखाते हैं। वो देखिए, अब हमारा प्लान है केदारनाथ जाने का, यहाँ से चलते हैं। अभी दो तीन दिन लगेंगे केदारनाथ पहुँचने, फिर निकलते हैं।